हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का सबका आरबीट्यूब क्लास में तो आज मैं आप लोगों के लिए दूसरा थ्योरम लेकर के आया आऊँ ये थ्योरम 10.2 है क्लास नाइन्थ की मैथ से सर्किल चैप्टर से लिया गया है चैप्टर नंबर है नाइन तो इस वीडियो में हम इस थ्योरम को डिस्कस करेंगे आपसे बस वही एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए ठीक है साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिये यहाँ पर इस थेरम टेन में हमसे पूछा गया है इफ द एंग सबटेंड बाई द सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन आर इक्वल इस क्वेश्चन में हमें पहले बोला है कि जो एंगल दिए गए हैं वो इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि कॉर्ड्स जो हैं, वो इक्वल होंगे तो यहां पर इनका कहना यह है कि ये वाला एंगल जो है ये इक्वल है इस वाले एंगल के तो आप बताओ कि ये वाला जो कॉर्ड है इस वाले कॉर्ड के इक्वल है ये बताना है ठीक है तो आप समझ गए ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया है ये वाली कॉर्ड और ये वाली कॉर्ड इक्वल बतानी है अच्छा इसको हम ये भी कहते हैं कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1 क्योंकि ये थ्योरम 10.1 का जस्ट उल्टा है आप याद करो जो मेरा पहला वीडियो है अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख लीजिए मैं उसको आई के आइकन में लिंक दे दूंगा तो उसमें बताया गया है कि अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल को इक्वल प्रूव करो और इसमें बताया गया है कि अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड को इक्वल प्रूव करो तो ये उसका जस्ट उल्टा है पर फिर भी चलिए हम देखते हैं कैसे होगा इसमें गिवन क्या है गिवन में क्या क्या है एंगल इक्वल दिए गए हैं और ये सर्किल है उसके कॉर्ड है तो हम यहां पर लिखेंगे टू एंगल्स एंगल एओबी बी एंड एंगल एओसी सी आर इक्वल आफ आ सर्किल विद सेंटर ओ देखो इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल एओ बी है वह इक्वल है एंगल ए ओ सी के ये क्वेश्चन में गिवन है क्या चीज क्वेश्चन में गिवन है तो हमें प्रूव क्या करना है हेडिंग डालेंगे टू प्रूव तो देखो हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड ए बी है और ये जो कॉर्ड सी डी है वह इक्वल है तो यहां पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी तो अगला हेडिंग होगा हमारा प्रूफ ठीक है अब देखो जब भी आप प्रूफ स्टार्ट करते हो ना तो किस ट्रेंगल किस सर्किल किस रेक्टेंगल में कर रहे हो वो मेंशन करना पड़ता है तो जैसे अभी हम इस ट्रैंगल और इस ट्रेंगल में करेंगे तो इस ट्रैंगल को मेंशन करेंगे क्या लिखेंगे एन ए ओ बी एंड ट्रेंगल सी ओडी वी हैव ठीक है क्या मिलेगा हमें देखो सबसे पहले ओ ए इक्वल होगा ओडी के ओ ए इक्वल टू ओ डी रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्किल दूसरा जो होगा ओ बी इक्वल टू ओ सी इसका भी रीजन सेम होगा रेडी आई आप सेम सर्किल ठीक है और जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा ये एंगल जो हमें दिया गया है एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी ओके इसका रीजन है तो अगर हम तीन चीज प्रूव कर ले जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं सो ट्रेंगल एओबी बी इज कंग टू ट्रेंगल सी ओ डी अब इसका रीजन क्या होगा देखो बाई एस 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 मतलब होता है साइड ये साइड है ए मतलब होता है एंगल ये एंगल है और एस मतलब होता है साइड यानी कि दो साइड एक एंगल एक दूसरे के इक्वल है तो वो हो जाएगा एस ए एस रूल तो जब कोई भी दो ट्रेंगल एक दूसरे के कंग्रेंट हो गया तो उसके किसी भी दो साइड को किसी भी दो एंगल को हम जो है इक्वल बता सकते हैं तो यहां पर हमारा ये साइड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा मींस ए बी इक्वल टू सी डी इसका रीजन क्या होगा बाय सीपीसी टी देखो सीपीसी टी क्या होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंगरे ट्रायंगल तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड और ये हमारा प्रूव हो गया है ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा अगर आप चाहते हो इसे राइट करना तो आप राइट कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो अगर जरा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ तब तक थैंक यू क्लास